नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुरुषोत्तम और अबाउट कोल्ड स्टोरेज इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एलपीआर सिस्टम का कनेक्शन कैसे होता है, किसी भी प्लांट में एलपीआर सिस्टम कैसे लगाते हैं, इसके सभी पाइपों का कनेक्शन कहां कहां होता है, इसके बारे में दोस्तों आपको जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एलपीआर सिस्टम लगाने से प्लांट का इलेक्ट्रिक बिल जो है इसमें बहुत कमी आती है, लगभग 20-30% तक कमी आती है। तो दोस्तों, अगर आपका पुराना प्लांट है जो मैन्युअली चलता था, उसमें अगर आप एलपीआर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसका कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस एलपीआर सिस्टम से रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसमें केवल दिखाया गया है कि इसे कैसे लगाते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसका कनेक्शन, इसके सभी पाइपों का कनेक्शन कहां कहां होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में मैं यूट्यूब का ज्वाइन बटन को एक्टिवेट करने वाला हूँ। वीडियो के नीचे साइड में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा आने वाले कुछ दिनों में। सो प्लीज दोस्तों, आप जरूर ज्वाइन करें, मैं उसके ऊपर भी अच्छे अच्छे वीडियो को अपलोड करूंगा, बहुत सारी जानकारियां रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड मैं दूंगा, तो उस ज्वाइन बटन को आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे हाई प्रेशर रिसीवर से, जिसमें लिक्विड अमोनिया रहता है या लिक्विड रेफ्रिजरेंट को रखा जाता है, उस हाई प्रेशर रिसीवर से हम शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये आ रहा है, ये जो 2 इंची का पाइप दिख रहा है आपको, ये जो पाइप है ये हाई प्रेशर रिसीवर से आ रहा है, और रिसीवर से आता हुआ एक वाल दिया हुआ है 2 इंची का, 2 इंची का पाइप है तो 2 इंची का वाल्व है, और यहाँ से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कैप लगा हुआ है, ढक्कन है यहाँ पर, यहाँ से इधर कोई कनेक्शन नहीं है, इस पाइप से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ इसके अंदर ढक्कन लगा हुआ है, बाद में इसको ज्वाइंट किया गया है अलग हेडर लगाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये न माने कि ये यहाँ से इधर आ रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केवल यहाँ से इधर जाता है, ठीक है, यहाँ से इधर नहीं जाता है, इसका ध्यान आप जरूर रखें। तो यहाँ से पाइप देकर, तो ये पाइप यहाँ से एक ज्वाइंट करके और एक बैंड के थ्रू, यहाँ देख सकते हैं कि ये पाइप जो है ये 1.25 इंची का पाइप है, और 1.25 इंची पाइप में ये 1.25 इंची का जो स्ट्रेनर है जिसमें लिक्विड को छाना जाता है, तो ये स्ट्रेनर यहाँ पर एक लगा हुआ है, उसके बाद एक सोलेनोइड वाल्व है 1.25 इंची का, ठीक है, देख सकते हैं कि ये सोलेनोइड वाल्व है, और उसके बाद एक एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी 1.25 इंची का है, देख सकते हैं कि एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो रिसीवर से लिक्विड लाइन आएगा, यहाँ से सबसे पहले एक स्ट्रेनर होगा, उसके बाद सोलेनोइड वाल्व, और उसके बाद एक एक्सपेंशन वाल्व देकर ये चला गया है लो प्रेशर रिसीवर में एलपीआर सिस्टम के। मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको कि इसका कनेक्शन कहाँ हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ से एक पाइप लगाकर और यहाँ पर एक एल्बो देकर और यहाँ इसके अंदर गिराया हुआ है लो प्रेशर रिसीवर के अंदर। तो ये कनेक्शन हो गया आपका लिक्विड लाइन का। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दोनों पंप का, यानी जो लिक्विड पंप है उसका कनेक्शन कहाँ करना है। तो चलिए मैं इसको भी बताता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ लो प्रेशर रिसीवर से, ठीक है, नीचे की साइड में यहाँ से कनेक्शन हुआ है, ठीक है, वाल्व लगाकर यहाँ पर एक स्ट्रेनर है और यहाँ लिक्विड पंप में दिया हुआ है यहाँ पर, यानी कि ये इन है, यहाँ पर ये इन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह दूसरे साइड में भी देख सकते हैं कि वहाँ से भी एक वाल्व लगाकर, स्ट्रेनर लगाकर और पंप में दिया हुआ है, ठीक है, और इस पंप से यहाँ देकर एक हेडर बनाया गया है, दोनों पंप से लेकर एक हेडर में दिया गया है। तो ये 1.5 इंची का पाइप है जो हेडर बनाया है, ये 1.5 इंची का है, और 1.5 इंची पाइप ही आगे जाएगा, यहाँ आ गया है, यहाँ पर एक हेडर बना हुआ है लिक्विड लाइन का, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपके जितने भी इवोपरेटर हो, चेंबर हो, जितने भी क्वाइल हो, सभी की लगी यहीं से
लिक्विड लाइन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कई जगह यहाँ देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर कोई सोलेनोइड वाल्व नहीं लगा है, लेकिन इसके ऊपर भी सोलेनोइड वाल्व लगा सकते हैं। तो यहाँ सोलेनोइड वाल्व नहीं लगाए हैं। ठीक है, इस ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसमें तीन चैम्बर है, तो तीनों चैम्बर के लिए एक एक लिक्विड लाइन गया हुआ है। ठीक है, और एक एक ग्लो वाल्व यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वाल्व है, ये वाल्व बाईपास के लिए है। बाई चांस अगर लिक्विड पंप खराब हो जाता है या एलपीएस सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाता है, तो मैनुअली इससे हम इसी वाल्व की सहायता से हम प्लांट को चला सकते हैं मैनुअली। ठीक है, इसलिए इसका कनेक्शन दे सकते हैं कि जो रिसीवर से पाइप आया है उसमें से देकर, ठीक है, और एक वाल्व लेकर यहाँ इसी हेडर में दिया हुआ है, लिक्विड लाइन के हेडर में। ठीक है, और आपको यहाँ बताया कि यहाँ कोई इससे रिलेशनशिप नहीं है, ये यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ पर डेड है। ठीक है, तो यहाँ से एक पाइप देकर, ठीक है, एक वाल्व देकर और इसी लिक्विड लाइन के हेडर में दिया हुआ है। तो ये तो जान लिया दोस्तों कि लिक्विड पंप से लिक्विड हेडर तक किस तरह कनेक्शन होगा। तो देख सकते हैं कि इस तरह कनेक्शन हुआ है, आपको फिर से दिखा देता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, ऊपर चलते हैं जहाँ पर इवोपरेटर है, वहाँ पर कैसे कनेक्शन करना है। अगर पुराना प्लांट है तो वहाँ पर हमें क्या मॉडिफाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये है इवोपरेटर, और ये जो पाइप है ये लिक्विड लाइन का है, यानी मैं एक चैम्बर के अंदर में हूँ जहाँ पर इवोपरेटर है। तो ये जो पाइप है ये लिक्विड लाइन है, ये आ रहा है लिक्विड लाइन का। तो अगर पहले से यहाँ पर कोई एक्सपेंशन वाल्व हो, एक्स्ट्रा कोई वाल्व हो, एक्सपेंशन वाल्व हो, तो एक्सपेंशन वाल्व अब यहाँ पर नहीं लगेगा। तो आप जानते ही हैं कि लो प्रेशर रिसीवर के ऊपर ही एक्सपेंशन वाल्व लगता है, तो यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व को निकाल देना है, और यहाँ एक केवल इसे बंद करने के लिए कभी जरूरत पड़े, इवोपरेटर को बंद करने के लिए इसमें कोई खराबी आए तो यहाँ से बंद करने के लिए एक ग्लो वाल्व दे सकते हैं, अदरवाइज इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि यहाँ से सारा सिस्टम हटा दिया जाएगा और डायरेक्ट इवोपरेटर में दे दिया जाएगा। और यहाँ ऊपर कोई सर्ज ड्राम हो तो सर्ज ड्राम को हटा देना है, जैसा कि यहाँ पर हटा दिया गया है। ठीक है, अब इसे सर्ज ड्राम की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इसी का काम लो प्रेशर रिसीवर करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कोई भी सर्ज ड्राम नहीं रहेगा। सर्ज ड्राम नहीं होने से प्लांट बढ़िया काम करता है, ठीक है, एलपीएस सिस्टम में। तो यहाँ पर निकाल दिया गया है, और यहाँ से होते हुए देख सकते हैं कि इस साइड से होते हुए यहाँ वाल्व लेकर फिर से गया है मशीन रूम में। तो चलिए मशीन रूम में दिखाता हूँ, और देख सकते हैं कि सभी इवोपरेटर का इसी तरह है, सभी का एक्सपेंशन वाल्व निकाल देंगे, क्योंकि एक पाइप लिक्विड लाइन का एक चैम्बर में आया हुआ है जिसमें चार चार इवोपरेटर लगे हुए हैं, तो सभी में एक्सपेंशन वाल्व होगा, तो सभी एक्सपेंशन वाल्व को निकाल दिया जाएगा। सभी का देख सकते हैं कि इधर भी है, और सभी का जो सर्ज ड्राम है उसको भी निकाल दिया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, सभी का सर्ज ड्राम निकाल दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह सभी का एक्सपेंशन वाल्व और सभी का सर्ज ड्राम निकाल कर ही इसका कनेक्शन होगा। यहाँ से जा रहा है सेक्शन के थ्रू मशीन रूम में। तो चलिए मशीन रूम में बताते हैं कि वहाँ कैसे कनेक्शन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो पाइप है, ये पाइप आ रहा है इवोपरेटर से, जो कि सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से वाल्व दिया हुआ है, और यहाँ पर एक हेडर बना हुआ है, इस हेडर में ज्वाइंट करना है। ठीक है, इस हेडर में ज्वाइंट किया हुआ है, उसी तरह दूसरे चैम्बर का भी एक वाल्व देकर इसी हेडर में मिलाया हुआ है, और तीसरे चैम्बर का भी एक वाल्व देकर इसी हेडर में मिलाया गया है। तो तीनों चैम्बर का एक हेडर बनाकर यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। तो देख सकते हैं कि इस तरह कनेक्शन हुआ है। ठीक है, अब चलिए जो इवोपरेटर से सेक्शन आ रहा है ये एलपीएस सिस्टम में कहाँ लगता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैं हूँ अभी लो प्रेशर रिसीवर के ऊपर। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो हेडर है ये इवोपरेटर से आ रहा हुआ है, ये एलपीएस सिस्टम के यहाँ पर मिलाया गया है। ठीक है, एलपीएस के दो पॉइंट होते हैं, एक जो इवोपरेटर से आकर मिलता है और दूसरा जो मशीन को जाता है, कंप्रेसर को जाता है। तो यहाँ पर
देख सकते हैं कि इस साइड में यहाँ पर मिला हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एंगल वाल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बैंड न लगाकर और ग्लोब वाल नहीं लगाकर यहाँ पर एक एंगल वाल्व है, तो यहाँ से ज्वाइंट करके एक एंगल वाल्व लगाकर और दिया हुआ है सेक्शन में, ठीक है, जो इवोपरेटर से आ रहा है। अब दोस्तों इस एलपीआर सिस्टम से कंप्रेसर में कैसे कनेक्शन करेंगे, कंप्रेसर में कैसे जाता है आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर कनेक्शन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह का सिस्टम होगा, ठीक है। किसी किसी में इस तरह का सिस्टम नहीं लगाया जाता है, एक तरह का यहाँ उभार होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक कनेक्शन निकला होता है, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह का सिस्टम दिखे आप समझ जाइए कि ये सेक्शन में यानी कंप्रेसर को जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से कंप्रेसर के लिए कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर भी एक एंगल वाल्व लगा हुआ है, तो एंगल वाल्व लगाकर यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पाइप ज्वाइंट करके और चला गया है वहाँ नीचे हेडर में, जो कि मशीन को जाने वाला हेडर है, वो सेक्शन हेडर में चला गया है। तो इसका ध्यान रखें दोस्तों कि इस तरह का उभार आए तो समझ लिए कि ये मशीन को जाने वाला है, और जिसमें उभार ना हो, ठीक है, वो इवोपरेटर से आकर इसमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से आपको नीचे चल कर दिखाता हूँ कि किस तरह कनेक्शन है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि वहाँ से उस पाइप के जरिए यहाँ आकर इस हेडर में मिला है, जो कि ये सेक्शन का हेडर है, और यहाँ से होते हुए यहाँ से वाल्व लेकर ये चला जाता है कंप्रेसर में। उसी तरह इसी हेडर से दूसरे कंप्रेसर में चला जाता है, और जितने भी कंप्रेसर होगा इसी हेडर से कंप्रेसर में सेक्शन का कनेक्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों देख सकते हैं कि इसका सभी कनेक्शन जो है ये हो गया है, और जितने भी पॉइंट है सबको वेल्ड कर दिया गया है। अब इसका सिर्फ टेस्टिंग बाकी है, तो मैं इसके टेस्टिंग के बारे में बताऊंगा कि इसमें हवा कैसे भरते हैं, ये इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर इसको लिक्विड नाइट्रोजन से टेस्ट किया जाएगा तो वो भी हम कैसे टेस्ट करेंगे लिक्विड नाइट्रोजन से, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। सो दोस्तों इन सभी वीडियोस को आप जरूर देखें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कि एलपीएस सिस्टम का सभी पाइप कनेक्शन किस तरह होता है आपने जान लिया होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।